वर्तिका जी, मेरा लैपटॉप ऊपर रह गया, मैं अभी लेकर आता हूँ। जल्दी स्वीटहार्ट, हम ऑलरेडी बहुत लेट हो चुके हैं। एक मिनट। 5, 6 मोना, हाय। हाय, ये तुम क्या कर रही थी? बस ऐसे ही दूरी नाप रही थी। दूरी? हाँ, देख रही थी कि मेरे बेस्ट फ्रेंड के घर से मेरे घर तक की दूरी शायद सिर्फ 18 कदम ही है, लेकिन फिर भी एक बालकनी से दूसरी बालकनी तक हमारी आवाज एक दूसरे तक भी नहीं पहुंचती। फिर जब वो 18,000 मील दूर चला जाएगा, तब हम कैसे बात करेंगे? तुमने कदम नाप लिए, मीलों के पत्थर भी गिन लिए, लेकिन अनुकल्प के दिल की धड़कनें नहीं गिन सकी। तुम्हारे और उसके दिल के फासले शायद 18 धड़कनें भी ना हो, लेकिन फिर भी तय नहीं किया जा सकता। हाँ मोना, हर बार ये फासले बढ़ते जाते हैं। तुम और गोल्डी उसे इस बात का एहसास दिलाते हो कि उसका प्यार ठुकराया गया है, वो ठुकराया गया है। अगर तुम अनुकल्प का अच्छा चाहती हो तो उसका हौसला बढ़ाओ, उसे इंस्पिरेशन दो, उसे अमेरिका जाने दो मोना। ये कदम, ये फासले नाप कर उसे रोको मत मोना। इस बार उसे उस बात की गलत फहमी मत होने दो कि फिर कोई वो उम्मीद लगा कर बैठे। वर्तिका जी, चले बाय मोना। बाय। वर्तिका ठीक ही कह रही है, अनुकल्प का दूर चले जाने ही अच्छा होगा, ऐसी जगह जहाँ मेरे ख्याल भी उस तक ना पहुँचे। लेकिन मैं क्यों अनुकल्प के ख्यालों को अपने मन से नहीं निकाल पा रही? क्यों उससे हर वक्त मिलने को इतनी तड़पती हूँ? एक दिन भी ना देखूँ तो इतनी बेचैन हो जाती हूँ। क्यों उसके चले जाने का डर मुझे इतनी तकलीफ दे रहा है? वैसे कहते हैं कि इनकार प्यार का पहला कदम होता है। और दूसरा? दूसरा दर्द, जुदाई का, बिछुड़ने का दर्द। प्यार और मैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बेटा, इतनी घबराई हुई सी क्यों है? ताया जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? पुत्र, मैं तो तुझे उठाने आया था, सोचा था तुझे लेकर गुरुद्वारे चला चलूं, लेकिन तू कमरे में ही नहीं थी। बाहर बालकनी में देखा, वहां भी नहीं थी। कहां से आ रही है पुत्र, और इतना हाफ क्यों रही है?
कल आप कुछ कह रहे थे ना ताया जी। कल? हाँ वो कल आप कुछ कह रहे थे ना वो प्यार के बारे में। प्यार के बारे में? हाँ वो आप कह रहे थे कि प्यार का पहला कदम दूसरा कदम ऐसा ही कुछ। आपको याद नहीं है? आपने तो कहा था कि प्यार का पहला कदम होता है इनकार, दूसरा कदम होता है जुदा होने का डर, तो तीसरा कदम क्या होता है ताया जी? तीसरा कदम होता है जलन, जेलेसी, जो दिल में बेकरारी पैदा करते हैं। ऐसी बेकरारी जो तुझे तेरे प्यार की तरफ खींच कर ले जाए, जो ना तुझे रुकने दे ना पलटने दे, जहां से कोई भी यू टर्न मुमकिन नहीं। लेकिन पुत्र, तू आज ये सब क्यों जानना चाहती है? गुरुराम, तीसरा कदम होता है जलन, जो दिल में बेकरारी पैदा कर दे। ऐसी बेकरारी तुझे तेरे प्यार की तरफ खींच कर ले जाए, जो ना तुझे रुकने दे, ना पलटने दे, अंकल ये प्यार व्यार नहीं है, उसे दूर हो जाने की तकलीफ है। लेकिन वो तो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। लेकिन जलन, बेकरारी, शिकरारी और ऑल दैट, नहीं अंकल। मैंने कहा था ना ये कोई प्यार व्यार नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल प्यार व्यार नहीं। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है बा, अनुकल्प ने हमें बताया भी नहीं कि वो अमेरिका जाने की सोच रहा है। इतना बड़ा हो गया क्या हमारा छोरा कि इतना बड़ा फैसला हमसे पूछे बिना ही ले लिया? अरे भारती, तू भी छोटी छोटी बातों के लिए परेशान हो जाती है। अरे ना बताया ना सही, लेकिन वो जो कुछ भी कर रहा है इस परिवार के लिए कर रहा है ना, अपनी बहनों की शादी के लिए ही कर रहा है ना। याद है भारती, वर्तिका ने क्या कहा? अरे अमेरिका से ट्रेनिंग कर आएगा तो प्रमोशन हो जाएगा उसका, तनख्वाह भी बढ़ जाएगी उसकी। और ये मत भूल भारती कि आज तेरे बेटे की कमाई से ही काम चल रहा है। कल्पेश का धंधा तो राजकोट में ही बंद पड़ गया था, और तेरे बापूजी, अरे उन्हें रिटायर हुए तो जमाना हो गया है। अब अपनी बहनों को पार लगाने वाला अकेला अनुकल्प ही है, और लड़कियों की शादी में कितना लेन देन करना पड़ता है ये बात तुझसे छुपी नहीं है भारती। बा, सेजल हेतल की किस्मत में होगा तो बिना लेन देन ही शादी हो जाएगी उनकी। अभी तो ये सोच सोच कर मेरा दिल घबरा रहा है कि वहां अमेरिका में वो अकेला बिना हम सबके कैसे रहेगा? उसका सब काम कौन करेगा, ध्यान कौन रखेगा उसका? फिर ये सोचकर तसल्ली होती है कि वो मोना की शादी हो जाए उसके पहले अमेरिका चला जाए अनुकल्प, तो उसके लिए अच्छा होगा।
सामने रहती है तो हमेशा डर लगा रहता है कि कोई नया नाटक खड़ा ना कर दे। एक बार ससुराल चली जाए ना फिर ठीक रहेगा, सामने नहीं रहेगी तो अनुकल्प भी अपने मन को मना लेगा। एक बात तो माननी पड़ेगी भारती, अरे अनुकल्प से ज्यादा तो तेरे दिलो दिमाग में छाई रहती है वो छोकरी, हर वक्त जबान पे बस उसी का नाम है। ये तुम बनठन कर कहां जा रही हो? अम्बा जी वो मैंने ना ब्यूटी पार्लर में अपॉइंटमेंट लिया था तो इसीलिए मैं, तुम जानती हो ना मुझे पसंद नहीं रोज रोज लड़कियां जाकर पार्लर में बैठे, मन सुंदर होना चाहिए, चेहरे पर लिपा पोती करके कुछ नहीं होता समझी तू? बा देखिए ना यहाँ की सारी लड़कियां जाती हैं ब्यूटी पार्लर, अम्बा जी हमेशा मुझे मना करती रहती है। अरे भारती अब जिस शहर में रहते हैं अपने बच्चों को उस शहर की आबो हवा में ढल जाने दे, वरना तेरे बच्चे अकेले पड़ जाएंगे, समझ गई? और ये बड़े बड़े शहरों में मन की सुंदरता को कौन देखता है, ऊपरी दिखावा ही चलता है। हाँ पर ये गलत है। अब तू गलत सही के चक्कर में मत पड़ भारती, अरे तेरी बात कह रही है ना, तू जा जल्दी ब्यूटी पार्लर जा, देर मत कर जा। जा, अब तेरी बा ने इजाजत दे दी है तो मैं उनका हुक्म कैसे टाल सकती, पर पहले भाई को कॉफी देकर जा, कब से भूखा प्यासा पढ़ाई कर रहा है, ऑफिस से भी जल्दी आया था, जा। अभी कुछ कहना बाकी है बा? तेरे दिलो दिमाग पर एक नहीं दो चीजों का भूत चढ़ा रहता है, एक मोना से नफरत का और दूसरा अपने बेटे की मोहब्बत का। अरे भारती इतना दुलार पुचकार के रखेगी तो एक दिन तेरा बेटा घर छोड़ के चला जाएगा, अरे कभी कभी सांस लेने दिया कर उसे है? श्री कृष्ण श्री कृष्ण। हाय रूमा दीदी। ओह हाय, कैसे हो? आई एम फाइन। ये मोना मेरी कजिन, इसे तो आप पहचानते नहीं होगे, ये आज तक इस पार्लर में आई कहाँ है, वरना मैं एक ही घर में जॉइंट फैमिली में रहते। अच्छा आज इसकी सगाई है, इसका अच्छा सा मेकअप कर दो और बेस तो बिल्कुल राइट चूज करना, एकदम परफेक्ट। और हाँ शिमर तो वही लगाना जो मेरी एंगेजमेंट पे यूज किया था, ठीक है? मोना तू बैठ यहाँ पर, मैं वैक्स करा के आती हूँ, ठीक है? अच्छे से तैयार करना। जरूर वो लड़का उसे भगा ले गया होगा। अरे तू रहने दे जैसी, हमेशा लड़का गलत नहीं होता, लड़की भी तो गलत हो सकती है ना। अब देख हमारे पड़ोस में एक लड़की रहती है, उसने मेरे भोले भाले भाई को अपनी जान में फंसा रखा है, मैं हर वक्त मेरा भाई उस लड़की के बारे में सोचता रहता है, उसी के सपने लेता रहता है। हम सब जानते हैं कि वो लड़की मेरे भाई से शादी नहीं करने वाली, सिर्फ उनकी फीलिंग्स के साथ खेल रही है, लेकिन उन पे कोई हमारी बात का असर ही नहीं पड़ता, हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं होते। तुझे पता है एग्जाम्स आ रहे हैं उनके और पढ़ाई में मन नहीं लगता, लगेगा भी कैसे, हमेशा उसी के बारे में सोचता रहता है। वैसे तो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, हमेशा फर्स्ट आता है, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि उस लड़की की वजह से फेल होने वाला है। जैसी देखना लगता है सूख गया है, निकाल दे। ऐसी लड़कियों का क्या किया जाए, पहले लड़कों को अपने जाल में फंसा लेती है और फिर उनका दिल तोड़ देती है। लड़कों का तो दिल भी है और करियर भी खराब हो गया। मैं
मैं अच्छी तरह से फेस वॉश करके आती हूँ। हमारे पड़ोस में एक लड़की रहती है, उसने मेरे भोले भाले भाई को अपनी जान में फंसा रखा है। तुझे पता है एग्जाम्स आ रहे हैं उनके, और पढ़ाई में मन नहीं लगता। लगेगा भी कैसे, हमेशा उसी के बारे में सोचता रहता है। मैम आपकी आंखों में तो पानी है। हर वक्त मेरा भाई उस लड़की के बारे में सोचता रहता है, उसी के सपने लेता रहता है। हम सब जानते हैं कि वो लड़की मेरे भाई से शादी नहीं करने वाली, सिर्फ उनकी फीलिंग के साथ खेल रही है। हाय मम्मी, देख तो वक्त हाथों से कैसे निकल जाता है। हमारी नन्ही सी मोना आज कितनी बड़ी हो गई है। सगाई है आज उसकी, और इन कपड़ों में कितनी प्यारी भी लग रही है ना? बिल्कुल। ये मेरी प्यारी सी गुड़िया के लिए। मोना, इसमें बाबा जी का आशीर्वाद है, इसे हमेशा अपने गले में बहना, ठीक है? ये देखना तेरे इम्तिहान कितने अच्छे जाते हैं। ये प्यारी सी गुड़िया। वैसे तो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, हमेशा फर्स्ट आता है, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि उस लड़की की वजह से फेल होने वाला है। मम्मी जी, मैं ये चेन उतार दूं? वैसे भी अपने गले में इतना भारी हार दिया हुआ है, तब इस चेन की क्या जरूरत है? लेकिन मोना, ये तो तेरी पसंद की चेन है ना, तू तो इसे इतना संभाल के रखती थी। याद है परजाई जी, जब मोना बहुत छोटी सी थी और परीक्षा से डर गई थी, तब बाबा जी का आशीर्वाद लेके इसे ये पहनाया था। तब ये 5-6 साल की होगी ना? प्लीज मम्मी जी, मैं बाद में फिर से पहन लूंगी। ये ले, संभाल के रखना और याद से फिर से पहन लेना। याद रखना, इसमें बाबा जी का आशीर्वाद है। तुम्हारा हार तो बहुत ही अच्छा है, कहाँ से खरीदा? ओ जी, वो अमृतसर का जो सबसे बड़ा शोरूम है ना, वहाँ से खरीदा मैंने। बड़ा प्यारा है ना जी? बहुत। थैंक यू जी, थैंक यू। हाय रानू, इस बार तो तेरी भतीजी की सगाई ठीक से निपट जाएगी ना, क्या कोई नया तमाशा होने वाला है? कैसी बातें कर रहे बहन जी, कैसा तमाशा? अरे वैसे ही, जैसी रोके में हुआ था ना, वो अपना पड़ोस में गुजराती मुंडा था ना, इश्क मोहब्बत की कैसी पिंगी उड़ा रहा था। अरे प्रभा बहन जी, आप ये कैसी बातें कर रही है? जो कुछ भी हुआ उसमें हमारी मोना की क्या गलती थी? अगर वो लड़का मोना की दोस्ती को गलत समझ बैठा तो उसमें मोना क्या कर सकती थी? हाँ हाँ, तो हमने मोना के लिए कहा कुछ कहा है, लेकिन लड़की को तो समझा के रखना चाहिए ना कि लड़कों से दोस्ती वोस्ती ठीक नहीं होती। वैसे तो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, हमेशा फर्स्ट आता है, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि उस लड़की की वजह से फेल होने वाला है। हाँ मम्मी जी, जानती हूँ बाबा जी का आशीर्वाद छिपा है इसमें, इसलिए तो आज मुझसे ज्यादा किसी और को इसकी जरूरत है।